नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार से 2 वर्ष का बिहार डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिया गया है। 24 से 26 सेशन आपका होने वाला है और इसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा मोबाइल फोन से। तो आप इजीली जो है मोबाइल फोन से भी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो आप मोबाइल को ऐसे यूज करते हैं तो इसको कन्वर्ट करके आप इस वाले मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है शब्द अच्छे से दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सेलेक्ट करने में, या गजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर और भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ 3 लाइन पे आएंगे और यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट का मोड इनेबल करने के लिए। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो आपका जो वेबसाइट हो जाएगा ना वो डेस्कटॉप साइट हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे ना, तो इस तरह से आपका जो है डेस्कटॉप साइट कर लेना है। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए ना आपको जो है सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका आएगा साइन अप करने के लिए। तो पहले आप अपनी जो है नाम लिखेंगे, दोबारा नाम को यहाँ कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड एक यहाँ पे बनाएंगे, दोनों में सेम पासवर्ड रखेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप जो है क्रिएट कर लीजिएगा और सेम पासवर्ड यहाँ पे भी आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, अन्य विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक भरना है। भविष्य में परिवर्तन या संशोधन की कोई अनुरोध विचारणीय नहीं होगी। यानी जो भी जानकारी यहाँ देना है फ्रेंड्स, सब अच्छे से देना है। इससे क्या होगा कि आगे चल के आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और अगर आप गलती भर देंगे ना तो संशोधन नहीं होगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है, जो भी जानकारी यहाँ पे देना आपको बिल्कुल सत्य सत्य देना है, सही सही देना है, क्योंकि संशोधन का यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ करते हैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके जो है मोबाइल पे एक OTP जाता है, आप यहाँ पे OTP को फिल करेंगे, उसके बाद से रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अब आपको जो है अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड लिख के लॉगिन करना होता है। तो पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे, और मोबाइल नंबर जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने से पहले फ्रेंड बताना चाहूँगा, अगर आप इस डीएलएड कोर्स की तैयारी के लिए आप जो है किसी किताब की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ फ्रेंड चक्षु प्रकाशन की किताब। ये देख सकते हैं स्टडी गाइड है, इस स्टडी गाइड के थ्रू आप अपनी जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा किताब है, जिसमें सामान्य हिंदी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता जैसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और संपूर्ण स्टडी है ये। इसमें 4 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे और 3000 से ज़्यादा इसमें आपको बहुविकल्प प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित आपको देखने को मिलेंगे। ये किताब अपने मार्केट से खरीद सकते हैं या मैंने आपको जो है बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस किताब के थ्रू जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी किताब है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है इनका एक और जो है किताब आता है जो होता है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट जो है दिया गया है, 4 सॉल्व पेपर है जिसकी 2200+ आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुविकल्प। तो ये प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी आप जो है अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों किताब आप ले सकते हैं, देख सकते हैं ये स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट, इन दोनों किताब के साथ आप जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोनों किताब का मैंने जो है बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जो है देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे करते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है लॉगिन पेज है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है यूनिक आईडी, अगर आपके पास यूनिक आईडी है तो आप यहाँ लिखिए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ आप किस जिला से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के सभी जिला का नाम आएगा। यहाँ देखेंगे तो अदर स्टेट का भी ऑप्शन है, मान लीजिए आप बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से आते हैं और आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं बिहार से तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जिला में अदर स्टेट चूज करना होगा। यहाँ देखिए अदर स्टेट का ऑप्शन है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ से अपना जिला का नाम यहाँ से चुनाव करेंगे, जो कि यहाँ पे खोजेंगे तो सभी जिला का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार के जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन रहेगा, आपका नाम यहाँ शो करेगा, आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, जो भी आपके माताजी का नाम है यहाँ पे अपना जो है लिख लीजिएगा, फिर दोबारा से जो है माताजी का नाम यहाँ पे अपना लिखना होगा, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर माताजी का फादर्स नेम का दोबारा यहाँ पे जो है लिखना है। हर चीज़ दो दो बार आपसे भरवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरने में, तो ये चीज़ यहाँ पे विशेष जो है दिया गया ध्यान। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी, तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस पर टैप करेंगे, इस पर जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे अब आपको इस पर टैप करना है, मतलब यहाँ से ऐसे एरो दिया हुआ, आप ऐसे जो है भगा सकते हैं कि कौन से ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर है पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2001 चूज किया, फिर अपना जो है
यहाँ पे अपना बताएंगे मंथ और फिर जो है डेट चूज कर लेंगे। तो ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है और इसी डेट ऑफ बर्थ को फिर दोबारा यहाँ से भी यहाँ चूज करना है और आपका एज ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हैं आप, और यहाँ पे जेंडर आपको बताना है, यहाँ पे जेंडर दोबारा से बताना है मेल फीमेल क्या है। यहाँ देखिएगा तो वही वाला ऑप्शन आएगा, मेल है कि फीमेल है, देख रहे ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है दो दो बार। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको बताना है कि आप बिहार के निवासी, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा और अपना जो है निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। जो भी आपका निवास सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। पीडीएफ में होना चाहिए फ्रेंड्स, और आप जो है 500 KB से कम रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इजीली अपलोड हो जाएगा पीडीएफ में। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी का जो है चुनाव करेंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस हैं या ईबीसी हैं या बीसी हैं। तो अगर आप जो है जनरल को छोड़ के अगर किसी अदर कैटेगरी से आएंगे, जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। अगर कोई बंदा ओबीसी से आता है, ओबीसी इन द सेंस बिहार में ना ओबीसी दो भागों में बढ़ जाता है, आप सबको पता है, एक हो जाता है ईबीसी और एक हो जाता है बीसी। तो आपको जो नॉन क्रीमी लेयर लेना, एनसीएल आपको देना होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में चीजें लिखा गया है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई बंदा एससी एसटी से आता है तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन ओबीसी में क्या हो जाता है कि आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर हो जाता है, तो पहले आप जाति बनवाते हैं फिर आय बनवाते हैं, और दोनों के बेस पे जो है एनसीएल बनता है। एनसीएल भी 1 वीक में बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे जो है एनसीएल बनवाते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एनसीएल बनवाते हैं, तो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे एनसीएल बनता है। तो ओबीसी के लिए विशेष जो है इस तरह से मांगा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। अभी हम यहाँ पे जनरल चूज करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट का जो है ऑप्शन हट गया, तो आप इस तरह से देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अदर स्टेट से आते हैं, बिहार के निवासी नहीं है, तो आप यहाँ नो करेंगे ना तो आपका यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा और ये आपका जनरल जो है हो जाएंगे, आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा, चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे इस तरह से भरेंगे फॉर्म को, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है कि आप विकलांग है तो यहाँ पे बताइए, हाँ विकलांग है नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करिए, वरना नो करिए, दोबारा यहाँ चूज कर लेना उसी चीज को। अब यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू स्टडीज उर्दू, आप 12वीं लेवल पे उर्दू पढ़ाई की है, अगर किए तो हाँ करिए, नहीं किए तो नो करिए। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि री इंटर, मतलब दोबारा आपको बताना है कि आप 12वीं में उर्दू पढ़े कि नहीं पढ़े, इस तरह से। अब यहाँ आपको फैकल्टी बताना है, फैकल्टी इन द सेंस क्या कि आप बताइए कि आप जो है कौन से मतलब स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए हैं, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे कि आप 12वीं किससे पढ़ रहे हैं। अगर कोई बंदा 12th इस बार 2024 में अपीयर है, 2024 में अभी आप सबको पता है एग्जाम चल रहा है, तो अगर वो 2024 में अपीयर है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहाँ पे उनको अपीयरिंग है, देखिए पूछ रहा है ना कि क्या आप अपीयरिंग है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, वेदर इंटरमीडिएट अपीयरिंग यस करना होगा। और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, अगर पास हो चुके हैं तो यस करेंगे, ठीक है ना, यस करते हैं हट जाएगा, अगर नहीं पास हुए तो नो करके और यहाँ यस कर दीजिएगा। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, देख रहे ना, यहाँ नो करके यहाँ यस कर दीजिएगा। तो अगर आप पास हैं इंटरमीडिएट तो यहाँ पे यस करेंगे, तो अपीयरिंग वाला यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो हट जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना है और फैकल्टी यहाँ दोबारा से आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे तो अपीयरिंग में आप आएंगे तो सिर्फ मैट्रिक की ही जानकारी आपसे पूछेगा, मैट्रिक का परसेंटेज, कितना डिवीजन पास है, और मैट्रिक का जो है यहाँ पे मार्कशीट आपको अटैच करना है। अभी आप देखेंगे मैट्रिक का ही सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, मैट्रिक का बोर्ड का नाम, रोल नंबर और रोल कोड। जिनके पास रोल कोड नहीं है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पे रोल कोड वाला ऑप्शन को छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ रोल कोड बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं होता है, जैसे कि सीबीएसई से जो पढ़े या यूपी बोर्ड से पढ़े उनके पास नहीं होगा, तो यहाँ ये छोड़ देंगे, या एनए भी लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल, सिर्फ रोल नंबर भर देंगे। अगर आप हम यहां पे यस करते हैं, मान लीजिए कि हम इंटरमीडिएट पास है, तो देखिए यहां पे इंटरमीडिएट की भी जानकारी आपसे मांगेगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं और फॉर्म भर रहे हैं, अपीयरिंग में नहीं है, तो आपसे यहां पे इंटरमीडिएट की भी जानकारी आपसे मांगेगा, जो कि आपको यहां पे देना होगा। सेम उसी तरह से आपका रोल कोड, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेंड, डिवीजन क्या है, सब आपको परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट यहां पे आपको अटैच करना होगा, पीडीएफ में आपको अटैच करना है, समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपको ऐसे जो है भरनी है। अब आता है यहां पे आपका जो है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे लिखना है। अब ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि 20 से लेकर 100 KB के बीच आपका जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, KB में रखा गया है। सिग्नेचर बोला गया है कि 10 से लेकर 50 KB के बीच आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर मांग रहा है, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये उनके लिए ऑप्शन है जो आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, है तो आधार नंबर यहाँ दे दीजिए, इसको सिलेक्ट मत करिएगा। यहाँ देखिए
इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, देख रहे ना, तो ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी को भर के यहाँ पे आपको जो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद से यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू आ जाता है। आप जानकारी को वेरीफाई करते हैं कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है सब चीज सही नहीं है, फोटो सिग्नेचर सब चीज आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर गलती है तो यहाँ एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन मिलेगा। आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट गेटवे पे लेकर आएगा, आपका एप्लीकेशन फीस शो होगा। यहाँ पे वाया सब पैसा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई है, क्यूआर स्कैन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो जानकारी आप फिल करेंगे और प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आप जो है प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।